सो गाइस, यहाँ पे रियल मी U1 में जो है एक नया अपडेट आ चुका है। तो इस मार्च महीने में इस नए ओटा अपडेट में हमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलता है, और अगर अभी तक आपको यह अपडेट नहीं मिला है तो कैसे मिलेगा, ये सब कुछ आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो को आप पूरे लास्ट तक देखते रहिए। हेलो गाइस, मेरा नाम है राज और आप सभी लोग देख रहे हैं टेकबज यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कीजिए टेकबज यूट्यूब चैनल को इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए, और साथ में यहाँ पे जो बेल आइकन है इसे प्रेस कर दीजिए जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो गाइस, यहाँ पे सबसे पहले आप सभी को बताता हूँ कि इस अपडेट में आप सभी को क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेगा, यानी कि यहाँ पे आप सभी को क्या नया देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देख पा रहे, यहाँ पे आपको दो चीज़ नए देखने को मिलेगा। तो पहला है सपोर्टेड द फंक्शन फॉर अनलॉकिंग बूट लोडर। तो इस अपडेट को करने के बाद आप जो है बूट लोडर को अनलॉक कर पाएंगे। तो बूट लोडर को अनलॉक करने के बाद आपका क्या क्या आपको फीचर मिलेगा, मतलब क्या क्या कर सकते हैं, ये सब मैं किसी एक वीडियो के अंदर बताऊँगा। तो आप मुझे नीचे कॉमेंट करके बताना कि आपको इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए या नहीं। तो यहाँ पे सेकंड जो चेंज देखने को मिलता है वो है एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच लेवल, जो यहाँ पे चेंज किया गया है। यहाँ पे 5 मार्च 2019 किया गया है यहाँ पे। तो यही दो चेंजेस आप सभी को जो इस नए अपडेट में देखने को मिलता है। तो अगर अभी तक आपको ये अपडेट जो नहीं मिला है तो कैसे मिलेगा, तो ये अपडेट जो है कल रिलीज़ हुआ है, और ये अपडेट सभी डिवाइस में पहुंचने में जो एक हफ्ते से ज़्यादा भी लग जाता है। बट गाइस, यहाँ पे अगर आप जो है जल्दी जल्दी अपडेट करना चाहते हैं देन यहाँ पे आप सभी को जो है इसे मैनुअली अपडेट करना पड़ेगा। तो मैनुअली अपडेट करने के लिए यहाँ पर आपको इसको डाउनलोड करना पड़ेगा, इस अपडेट पैकेज को। तो इसका जो लिंक है इस फॉर्म का मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो यहाँ से आप डायरेक्ट यहाँ पर आ सकते हैं। आने के बाद यहाँ पर देख पा रहे हैं इसका जो साइज़ है 1.89 GB का है, तो ये बहुत ही बड़ा जो है इसका साइज़ है। बट यहाँ पे इसे आप डाउनलोड करने के बाद, यहाँ पे एक बार अपडेट करने के बाद जो है आप इसे डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इस पैकेज को डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे मैनुअली अपडेट करना है। तो मैनुअली अपडेट आपको नहीं पता कैसे करना है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर हाउ टू अपडेट पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको पूरा प्रोसेस यहाँ पर दिखाया गया है कैसे आपको करना है। तो उसके बाद यहाँ पर आप मैनुअली कर सकते हैं, और अगर आप मैनुअली नहीं करना चाहते देन आप जो है थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, एक हफ्ते के अंदर शायद आपको मिल जाए। तो यही था इस अपडेट में। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या फिर आप चाहते हैं मैं नेक्स्ट किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।